इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ऑफ द 8086। सही है, तो ये 16 बिट का स्टेटस रजिस्टर है। देखो 8085 में हम दोनों एक्यूमुलेटर और उसको फ्लैग को मिला के बोल रहे थे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। यहाँ जो है, यहाँ ये अपने आप में ही 16 बिट का है, वो इसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इसमें एक्यूमुलेटर साथ में नहीं है, है ना। तो ये भी डेफिनेशन चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है। सही है, तो 16 बिट का स्टेटस रजिस्टर है, इसको बोलते हैं फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा 9 इंडिविजुअल बिट हैं इस 16 बिट फ्लैग में, तो जो अनयूज्ड हैं वो उनको खाली रखना है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी 8085 में भी खाली थी। सही है, और इस 9 में से जो 6 हैं वो बेसिकली हैं स्टेटस फ्लैग, वो स्टेटस शो करती हैं। माइक्रोप्रोसेसर जो ऑपरेशन करता है परफॉर्म, अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन कोई भी करेगा, उसमें ये शो करेंगे। बाकी जो 3 हैं टी डी एंड आई, सही है, तो एक ओवरफ्लो है यहाँ पर बेसिकली। सही है, ओ से है ओवरफ्लो। और ये जो 5 हैं ये 8085 की तरह हैं, तो जो टी डी और आई जो 3 हैं इनको बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग, ये मशीन कंट्रोल फ्लैग है। सही है, अब ये कैसे कंट्रोल करती हैं या कैसे स्टेटस शो करती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। पहले तो इनकी पोजीशन को देख लेते हैं। सही है, यहाँ पर पोजीशन भी सब गड़बड़ गड़बड़ है। चलो इसको करेक्ट किया जा सकता है, कदर कर देते हैं। क्या गड़बड़ है अब, यहाँ 5 इधर आ गया। चलो जी ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब फिर भी मैच हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो 8085 में 5 थी फ्लैग, तो 5 फ्लैग जैसे कैरी, पैरिटी, एक्सिलरी कैरी, जीरो और साइन, ये तो सब सेम है 8085 की तरह। इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हुई है, वो है ओवरफ्लो। सही, तो आपके 8085 में ओवरफ्लो फ्लैग नहीं थी, पर जब कैरी फ्लैग को जो कभी एक्सप्लेन किया होगा तो उसमें एक ओवरफ्लो वाला भी जो कैरी होती है वो क्या होती है, जो आपका 8 बिट है जो प्रोसेसर है, तो 8 8 बिट जब कोई ऐड करते हैं और रिजल्ट अगर 9 बिट का होता है ना, एडिशन कर रहे हो तो 9 बिट का अगर है, तो वो D7 से निकलती है कैरी फ्लैग। सही, अच्छा तो उसमें कहीं ओवर जो ओवरफ्लो वाला था वो कॉन्सेप्ट नहीं था 8085 में। तो हम जो 8085 में जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो प्रोसेस कर रहे थे वो सारा हम अनसाइंड यूज कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं थी साइंड अरिथमेटिक करने की। साइंड अरिथमेटिक का मतलब है कि जो MSB है, यानी अगर हम 8 बिट डेटा ले रहे हैं तो जो आपकी D7 जो बिट है, MSB जो है वो रिफ्लेक्ट करती है रिजल्ट, और बाकी के जो 7 बिट हैं वो मैग्नीट्यूड बताती हैं उस नंबर का। सही है, कुछ गलत बोल दिया, दोबारा से बोलता हूँ। जो 8 बिट है आपकी, 8 बिट की जो पहली MSB है, जो फर्स्ट है D7 वाली जो बिट है, वो बताती है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, तो उसका साइन बताती है, और बाकी जो 7 बिट हैं वो बताती हैं उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 16 बिट है, 8086 16 बिट वाला प्रोसेसर है, तो 15 बिट जो है मैग्नीट्यूड बताएंगी, और जो MSB है जो आपकी D15 जो बिट है वो बताएगी आपका उसका पूरा साइन, वो पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई एडिशन होता है, मतलब साइन अरिथमेटिक होता है, तो वहां पर ओवरफ्लो फ्लैग की जरूरत पड़ती है। तो ये कब सेट होता है, अगर सपोज करो दो साइन नंबर ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट 15 बिट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर ओवरफ्लो फ्लैग सेट होता है बस में। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पर कैरी कब सेट होगा, जब 16 बिट का है और अनसाइंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अनसाइंड अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं, तब कैरी फ्लैग सेट होगा क्योंकि रिजल्ट 16 बिट से ज्यादा हो रहा है। पर जब साइन अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं तो 15 बिट से अगर रिजल्ट ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो फ्लैग सेट हुआ। ये ओवरफ्लो फ्लैग किस में जाता है, फिर ये चला जाता है जो आपका साइन बिट वाला है। सही है, तो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो सब कुछ नहीं है कि बस हमने ये फैसिलिटी तो बना सकते हैं, लॉजिक तो बना सकते हैं, पर माइक्रो प्रोसेसर काम तो वैसे ही करेगा जैसे बाइनरी एडिशन नॉर्मल करते हैं हम, जो बाइनरी एडिशन करते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, एडिशन आएगा तो वैसे ही ऐड करेगा। ठीक है, हाँ BCD एडिशन में हम अलग सर्किट लगा के 6 ऐड करके उसको BCD फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, इतना ही कर सकते हैं, बाकी जो है ये हमें फैसिलिट करने के लिए, मतलब जो प्रोग्रामर है वो बाकी जो सारा होगा उस एंड पे होगा। अब साइन अरिथमेटिक और ये अनसाइन अरिथमेटिक ये हमारी है, हमारा एक तरह से जो मैथमेटिक्स जो यूज करते हैं वो हमारा है, हम अपनी तरह कोई भी साइन नंबर को लेके काम करते हैं, कभी अनसाइन कोई नंबर नंबर मतलब सारे नंबर पॉजिटिव हैं ये मान के काम करते हैं, तो अनसाइन अरिथमेटिक हो गया। ठीक है, पर माइक्रो प्रोसेसर को कैसे समझाएंगे, तो
माइक्रो प्रोसेसर को नेगेटिव नंबर है या तो उसको हम मतलब उसका साइन साइन मैग्नीट्यूड वाला है, इस तरह साइन बिट वाले उसमें बनाएंगे, या उसका वंस कम्प्लीमेंट करेंगे नेगेटिव नंबर समझाने के लिए, या टूज कम्प्लीमेंट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, पर अगर वो कैलकुलेशन हम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर हमारी तरह ही नेगेटिव नंबर पर काम करे, तो हमें उसके लिए लॉजिक डेवलप करना पड़ता है ओवर फ्लो वाला, ठीक है, कि 15 बिट से अगर ज़्यादा आएगा तो हमें पता चल जाए, फिर हम उसमें उसको कंट्रोल करें कि हम रिजल्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करें। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हम उसके लिए फिर कुछ प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है ना, कि वहाँ से जो हमारा रिजल्ट करेक्ट, ये उसको जो रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है अब, क्योंकि वो तो कैरी अगर उधर ओवरफ्लो से गई तो वो तो आपकी जो D15 बिट है उसमें चली जाएगी, सही है, फिर वो साइन साइन नहीं रहेगा, फिर उसमें साइन वाइन का कुछ चक्कर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा मानना है कि D7 बिट को हमने मानना है, तो वो हमारी जो बिट है वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर जब ये ऐड करेगा तो रिजल्ट अगर 15 बिट से ज़्यादा होगा तो वो कैरी जो साइन वाली बिट है उसमें ये उसमें घुस जाएगा, ये वाली जो बिट है मतलब जो कैरी जनरेट होगी, क्योंकि कैरी तो आपकी अगर वन वन को दो नंबर को भी ऐड कर रहे हो, दो मतलब वन वन बिट के नंबर को भी, तो भी आपकी कैरी जनरेट होती है, तो हर उस पे हर बिट से बिट वाइज अगर एडिशन करते हैं तो हर बिट से कैरी जनरेट होती है। पर यहाँ पर जो हमने कैरी वाला रखा है वो रखा है कि जब पूरा पूरा 16 बिट से अगर कैरी जनरेट हो, ठीक है। अगर हमारा 15 15 नंबर के ऐड कर रहे हैं, यानी हम साइन मैग्नीट्यूड यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम एक बिट जो है MSB उसको हमने बनाया हुआ है, बिट के लिए एलोकेट किया हुआ, उसके साइन के लिए एलोकेट किया हुआ है, तो 15 15 नंबर को जब ऐड करोगे अगर रिजल्ट 16 बिट का आता है तो वो ओवरफ्लो फ्लैग को सेट कर देगा, ठीक है। बस यहाँ पर इसको इतना ही रखना है, तो मुझे अब इसमें कोई प्रोग्राम वोग्राम तो मुझे बताना नहीं है, क्योंकि ये जो AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन ही है, जस्ट अगर प्रोग्राम बताते तो मैं उसकी हेल्प से इसको मैं सोल्व कर देता, मतलब तो मैं करके दिखा देता, डेमोस्ट्रेट करके आपको इजीली समझ में आता कैसे हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। ऐसे जैसे BCD एडिशन के लिए क्या था, उसके लिए भी हमने एक अलग इंस्ट्रक्शन बनाई है, तो अलग सेगेटरी है वो उसको इनेबल करता है कि अगर नंबर आपका कोई है निबल 9 से ग्रेटर है, या एक्चुअली कैरी सेट हुआ है या कैरी सेट हुआ है तो उसमें हम चेक सेट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें है, अगर ओवरफ्लो सेट हुआ तो हम क्या करेंगे, तो उसमें भी हम कुछ एक अलग से कुछ एडिशनल उसमें कुछ एफर्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट को करेक्ट करते हैं कि हमारा साइन जो अरिथमेटिक है उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, ठीक है। जैसे BCD नंबर पे BCD एडिशन काम करा रहे, ठीक है। तो बाकी तो सब हो गए, कैरी जनरेट होगा यहाँ 16 बिट पे, पैरिटी वाला वही नंबर ऑफ वन है, अगर इवन है यहाँ पर भी इवन पैरिटी सेट है, एक्सिलरी कैरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बेसिकली T7 से जब उसमें जाते हैं, ठीक है, तो ये सब अपना चेक करता है, देखो BCD तो वैसे 4 बिट की होगी, सही है, पर यहाँ पर रखा हुआ है वो एक्सिलरी कैरी, मतलब ये 4 बिट के बाद भी, मतलब हर निबल के बाद भी अगर कोई सी भी निबल से उस निबल में जा रहा है, सही है, तो वहाँ पर ये सेट हो जाती है, ठीक है। ऐसे 0 है रिजल्ट, अगर 0 हुआ तो 0 फ्लैग है, अगर ये साइन वाला है, सही है, साइन अरिथमेटिक, सॉरी हाँ साइन वाला है, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है रिजल्ट को, ठीक है। अगर वो साइन वाली बिट है 0 है या 1 है, तो 0 है तो पॉजिटिव है, 1 है तो नेगेटिव है, सही। तो ये दोनों मिल गए, जब हम साइन अरिथमेटिक पे काम करेंगे तो एस को भी चेक करेंगे और ओ को भी चेक करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया इसके, अब बात कर लेते हैं इसकी। देखो याद करना भी इसको आसान है, ODI है ना, वन डे इंटरनेशनल, और फिर इसको T बस याद रखना है, बाकी सभी उसी फॉर्मेट में है जैसे कि आपका 8085 में था, SZ ACP और C, सही उसी फॉर्मेट में है शायद, है ना, एक बार उसको चेक कर लेना, मैंने इसको बिना अभी चेक नहीं किया है, एक बार चेक कर लेना, मुझे लग रहा है जहाँ तक वो इसी फॉर्मेट में है, तो ODI TS बस ये याद रखना है, ठीक है। बाकी ODI T बस इतना याद रखना है, वन डे इंटरनेशनल टीम बना लो इसको, बस अरे इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपना वही जो आपने 8085 में जो याद किए हैं उनको लिख देना, ठीक है जी। तो ओवरफ्लो वाला मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, रिजल्ट इज लार्जर देन 15 बिट, साइन इन केस ऑफ 16 बिट साइन ऑपरेशन, देन ओवरफ्लो फ्लैग बिट विल सेट, देन रिजल्ट इन रेंज, ओवरफ्लो फ्लैग रिमेन रिसेट। अब आते हैं TDI, तो T है ट्रैप फ्लैग, तो ये बेसिकली जब डिबंगिंग करते हैं प्रोग्राम की तो हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब ये सही नहीं है स्टेटमेंट, एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, और प्रोग्राम की डिबगिंग जैसे कि हम कोड की करते हैं ना सी में, तो जो अच्छे प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं और कहीं प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ आ रही है तो वो एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके उसका जो फ्लो हो रहा है डेटा का, सही है, उसको चेक करते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, किस लॉजिक में गड़बड़ हो रही है या प्रोग्राम के किस पार्ट में गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर ये ट्रैप फ्लैग है, तो ये इसको अगर सेट कर देते हैं, इफ सेट देन सिंगल स्टेप इंटरप्ट विल अकर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, तो
तो हर बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी और ये उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। सही, तो ये डिबगिंग के लिए यूज होती है। अगर ये सेट नहीं है तो फिर माइक्रोप्रोसेसर सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सही, करेगा सिक्वेंस में ही, पर उसके लिए फिर बार बार वो कहीं उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा। डी है डायरेक्शन फ्लैग, ये बताता है जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए है, जो इंस्ट्रक्शन है स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने के काम आती है। सही है, तो अब स्ट्रिंग मैनिपुलेट में जैसे कि आप सी पे करते हो, सही है, तो कोई स्ट्रिंग है उसको आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे उसको लगाना है, तो इस तरह का मैनिपुलेशन। सही है, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में काम आती है। अब इसमें क्या है, अगर ये सेट है तो ये बताएगा कि जो इंडेक्स रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर क्या है बेसिकली, जैसे बुक में होता है ना इंडेक्स बुक के अंदर, तो वो क्या बताता है कि जो इंडेक्स रजिस्टर है एक तरह से वो रिलेटिव या एक तरह से कहो इनडायरेक्टली वो उस स्ट्रिंग का एड्रेस बता रहा होता है। तो इंडेक्स में दो हैं, सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स। ठीक है, तो वो अगर वन है तो वो बताएगा कि वो डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑटो डिक्रीमेंट हो रही है, एक एक वो बाइट आती जाएगी और वो डिक्रीमेंट होता रहेगा इंडेक्स रजिस्टर। अगर वो ये सेट नहीं है यानी जीरो है तो ये क्या होगा, वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी जो स्ट्रिंग है। ऐसे ही इंटरप्ट फ्लैग पे आते हैं। इंटरप्ट फ्लैग क्या है, इफ द फ्लैग इज सेट देन मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर इनेबल्ड। ठीक है, अगर ये सेट है तो जो इंटरप्ट फ्लैग है, तो अगर ये सेट है तो क्या होगा, जो भी मास्केबल इंटरप्ट है, देखो जितने भी उसमें इसमें बेसिकली हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सारे के सारे है ना, 256 सारे के सारे नहीं, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और एक INTR, उन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के ही काम करता है। ठीक है, तो उनको मास्क बनाना है, मास्केबल करना है या नहीं करना है। सही है, तो अब वो तो डिसाइड करते हैं हम वैसे बेसिकली प्रोग्रामेबल इंटरप्ट काउंटर से, सॉरी प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर से। तो जो आई है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर सेट है तो जो मास्केबल इंटरप्ट है अगर उनसे कोई रिक्वेस्ट आती है तो उनको वो एक्सेप्ट करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। अगर इस बिट को जीरो कर देते हैं तो जो इंटरप्ट आ रहे हैं मास्केबल इंटरप्ट जो भी आ रहे हैं उनको सबको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो बस अभी ये डेफिनेशन पे ध्यान देना है फिलहाल। सही है, तो इतना डीप में तो तभी समझ सकते हैं जब उस पर कोई हम प्रोग्राम करें या उस पर कोई एक्सरसाइज करें। ठीक है, तो यहाँ एक्सरसाइज और प्रोग्राम तो कुछ है नहीं, तो फिलहाल इसको बस थोड़ा सा एक अपने सी के जो सी के प्रोग्राम है उसके हेल्प से आप उसको समझ सकते हो अगर सी पर प्रोग्रामिंग करते हो तो। ठीक है, बाकी आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि ये कैसे कैसे काम कर रहे होंगे। ठीक है, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो एक बार उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो फिर मैं थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम लेके। ठीक है ना, अगर इसमें कोई अभी मतलब आपको इसको समझ में नहीं आ रहा हो कुछ, अच्छा मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको समझने में, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें फिर उसको किसी एक प्रॉब्लम के साथ या एक्सरसाइज के साथ उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं, चलिए।